चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर ने इन दोनों देशों के बीच जो मजबूत संबंधों की आधारशिला रखी थी, वही सीपैक अब अधर की तरफ जा रहा है। मतलब इस आर्थिक गलियारे को लेकर पाकिस्तान की हिलावाली इतनी बढ़ चुकी है कि चीन के कान खड़े हो गए हैं। हालांकि चीन ने आज फिर पाकिस्तान को गधैया नृत्य करने का यह कहकर मौका दे दिया कि वह पेशावर में अपना फिर से वीजा कार्यालय खोलेगा। गौरतलब है कि पिछले साल 1 अक्टूबर को पेशावर में वीजा कार्यालय खोलने का उद्घाटन किया गया था। इसे चीन ने चाइना विंडो सेंटर का नाम दिया था। हालांकि सुरक्षा कारणों से इसे जल्दी ही बंद भी कर दिया गया। फिर दोबारा 2 जनवरी को इसका फिर से उद्घाटन किया गया। इस झालम झोल के माध्यम से चीन प्रदर्शनियों, मूवी स्क्रीनिंग और प्रशिक्षण के द्वारा पाकिस्तान की सांस्कृतिक पहचान मिटाने की चालें चल रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के रसाकई में चीन पाकिस्तान का आर्थिक गलियारा अब बुढ़ापे का रूप ले चुका है। पाकिस्तान ने सीपैक का काम पूरी तरह रोक दिया है, जिससे चीन की चिंता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दरअसल अब आईएमएफ की शर्तें धीरे धीरे पाकिस्तान पर अपना रंग दिखाने लगी है। चर्चा यही चल रही है कि आईएमएफ ने सीपैक को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी और इसे पाकिस्तान की दुर्गति का बड़ा कारण बताया था। आईएमएफ ने कर्ज की शर्तों में एक नोट यह भी जोड़ा है कि उसे आईएमएफ से मिले बेल आउट पैकेज से एक पाई भी सीपैक परियोजना में नहीं लगानी है। इस कर्ज का इस्तेमाल पाकिस्तान ब्याज के रूप में भी किसी अन्य मुल्क को नहीं चुका सकेगा। कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान ने आईएमएफ की सारी शर्तें स्वीकार कर ली है, जिसका असर यह है कि सीपैक पर धुआं उगलती मशीनरी पूरी तरह खामोश है। पर मामला केवल यहां तक नहीं है। आज सीपैक को जिस प्रकार ठप्पा लगा है, उसके पीछे भारत और अमेरिका की वह घेराबंदी भी है, जिसका भारत शुरू से ही पुरजोर विरोध करता रहा है। इस अभियान में उसे बराक ओबामा से लेकर डोनाल्ड ट्रंप का भी पूरा साथ मिला है। वर्ष 2015 में नवाज शरीफ ने जब सीपैक परियोजना शुरू की थी, इसके खिलाफ सबसे पहले भारत ने ही आवाज उठाई थी। इसकी बड़ी वजह यह थी कि यह भारत के उस हिस्से से होकर गुजरता है जिसे पीओके कहा जाता है। अब लगता यूं है कि भारत और अमेरिका का यह अभियान कामयाब हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में कश्मीर मुद्दे से इतर सबसे ज्यादा सवाल सीपैक परियोजना की धुलमुल रफ्तार को लेकर ही उठ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जर्मनी ने साफ कह दिया है कि सीपैक अब खत्म हो गया है। मतलब जिसे पाकिस्तान गेम चेंजर समझ रहा था, अब वह बकलोल टेंडर साबित हो गया है। वैसे चीन ने पाकिस्तान को यह सपने दिखाए थे कि वह बर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश और वियतनाम की तरह यहां भी इकोनॉमिक जोन बनाएगा, जिसके तहत पाकिस्तान को 9 इकोनॉमिक जोन बनाने थे, लेकिन 4 साल में पाकिस्तान एक भी जोन नहीं बना सका। कहने वाले तो यही कहते हैं कि पाकिस्तान ने आईएमएफ को खुश करने के लिए इस परियोजना को लेकर काम सुस्त कर दिया है। इसका मतलब यह है कि जिस सीपैक पर व्यय हो रहे खरबों रुपए पाकिस्तान ने सुहा किए, वह उसके पतन का कारण बन गया है। यानी अगर पाकिस्तान चीन के झांसे में आकर इस परियोजना पर पैसा नहीं बहाता तो कम से कम आज उसकी हालत इतनी बुरी नहीं होती। जर्मनी का बयान बेवजह नहीं है। पाकिस्तान ने सीपैक को अपनी प्रमुखता से बाहर निकाल दिया है। हालांकि चीन बीच बीच में उसे प्रोत्साहित करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस परियोजना के लिए फंड आवंटित करने की बजाय उल्टा इसमें से अपने बकाया फंड को धीरे धीरे वापस निकाल रहा है। हालत यह है कि पाकिस्तानी ठेकेदारों के 150 करोड़ से ऊपर के चेक बाउंस हुए पड़े हैं, जिनका भुगतान पाकिस्तानी सरकार नहीं कर पा रही है। साफ है, चीन पाक आर्थिक गलियारा अब मर्तप्राय हो चुका है। पूरे सीपैक पर इस वक्त धूल उड़ रही है। वर्कर खाली बैठे हैं और इस उम्मीद में है कि कब फिर से उन्हें काम के लिए बुलावा आएगा। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का खजाना खाली हुआ पड़ा है। जो 4 साल में एक इकोनॉमिक जोन नहीं बना सका, वह अब एक झोपड़ी बनाने के लायक भी नहीं है। 2 दिन पहले चीनी प्रतिनिधि ने फिर से इमरान खान से बात की, पर इमरान खान ने सीपैक पर बात करने की बजाय कश्मीर मुद्दे पर ही अपनी वार्ता को आगे बढ़ाया। मतलब यह ठीक उसी तरह की हरकत है कि कहीं आग लगी हो और एक आदमी तर्जनी उंगली उठाकर चीख चीख कर कह रहा हो कि देखिए वहां आग लगी है, पर दरअसल उसका आग से कोई वास्ता नहीं है।
वह तो तर्जनी उंगली की तरफ लोगों का ध्यान खींचना चाहता है, जिसमें उसने नई नई बनवाई सोने की अंगूठी पहनी है। यानी चीन अपने जनरल फांग फेंग्यू, चीनी उपराष्ट्रपति वांग किसान, विदेश मंत्री वांग यी को बार बार पाकिस्तान भेज चुका है, मगर इमरान खान सीपैक पर वार्ता न करके कश्मीर का रोना रो रहे हैं। मतलब अब चीन भी इस फंटर मुल्क की खुशामंद करके इतना थक गया है कि उसे साफ करना पड़ा कि चीनी राष्ट्रपति मोदी सी समिट में कश्मीर मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि सीपैक भाड़ में जा रहा है और इमरान खान चीन को ठेंगा दिखाने के बाद कश्मीर कश्मीर खेल रहा है, जिसका चीन से कुछ भी लेना देना नहीं है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।